हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्दियों की मौसम में मटर और मेथी बहुत ही आसानी से हमें मिल जाते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान मेथी मटर और टमाटर का पुलाव। यह मेंथिया भात जो है वह एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट डिश है जिसे मील में भी खाया जाता है, बहुत ही जल्दी से फटाफट कुकर में बना सकते हैं। यह पुलाव बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि मेथी जो है आयरन और विटामिन सी से भरपूर होती है, और इस पुलाव को आप लंच बॉक्स में भी पैक करके बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 1.5 कप बासमती राइस। आप चाहे तो नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। इसमें हम पानी डालेंगे और चावल को अच्छे से 2 से 3 बार हम साफ कर लेंगे ताकि पूरा कचरा निकल जाए, और बाद में पूरा पानी निकाल देना है। चावल अच्छे से धो लिए हैं, अब इसमें हम पानी मिलाएंगे और इस चावल को हमें 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रखना है। तब तक हम एक मसाला रेडी करेंगे। मिक्सी जार में लेंगे 3/4 कप जितना ताज़ा नारियल, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का, 10 से 12 काली मिर्च लेंगे और 1 टेबलस्पून जितनी सौंफ, 1 कप जितने यहाँ पर फुदीने के पत्ते लिए हैं, बिल्कुल साफ कर लिया है धोकर, और 1 कप जितने कोथमरी यानी कि धनिया। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। हमने दरदरा सा मसाला पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप जितना पानी और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने मेथी को साफ करके अच्छे से धो लिया है। यह करीबन 2 कप जितनी मेथी है। 15 से 20 मिनट हो गई है, चावल का पूरा पानी निकाल देंगे और अब हम पुलाव बनाएंगे। इस पुलाव को हम कुकर में बना रहे हैं, इसलिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून जितना घी, 1 टेबलस्पून जितना तेल मिलाएंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, 2 तेज पत्ते डालेंगे, 2 दालचीनी, 3 इलायची, 3 लौंग और 1 फूल चक्र, 1 चम्मच जितना जीरा मिलाएंगे, 7 से 8 काजू लेंगे। काजू हल्के से गुलाबी रंग के हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 2 बारीक काटे हुए टमाटर मिलाएंगे और अब इसे लो फ्लेम पर हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर जो है वह गल जाएंगे। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 2 मिनट हो गई है और टमाटर अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितने मटर और 2 कप बारीक काटी हुई मेथी की भाजी। अब लो फ्लेम पर हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि मेथी का जो पूरा पानी है वह चला जाएगा इसमें से। मेथी और मटर आसानी से अभी मिल जाते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हल्के से कुक हो चुके हैं। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वह हम इसमें मिला देंगे। अब लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। हमने पहले भी बहुत सारी राइस प्रिपरेशन शेयर की है और वह सभी रेसिपीज़ आप राइस रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 2 से 3 मिनट हो गई है, मसाला बिल्कुल तैयार है।
इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना गरम मसाला या फिर बिरयानी पुलाव मसाला और 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेंगे। हमने जिस मिक्सी जार में मसाला तैयार किया था उसमें हम 3 कप जितना पानी डालेंगे और वह हम इसमें मिला देंगे। चावल में से भी पूरा पानी निकाल दिया था वह भी डाल देंगे। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर को बंद कर देंगे और लो फ्लेम पर हमें इसकी 2 विसल बजानी है। करीबन आधा घंटा हो गया है और कुकर भी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। करीबन 20 मिनट हो चुकी है। अब हम पुलाव को मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। अगर गरम गरम पुलाव को हम मिक्स करने जाएंगे तो चावल के जो दाने हैं वो पूरे मशी हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसे मिक्स करना है। मेथी टमाटो पुलाव बिल्कुल तैयार है, सर्व करेंगे। हम यहाँ पर पुलाव को दही और सलाद के साथ सर्व कर रहे हैं, आप चाहे तो रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन को ही खाते हैं। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।